शिवसेना से बगावत करने वाले मंत्री एकनाथ शिंदे ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम बाला साहेब के पक्के शिवसैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। बाला साहेब के विचारों और धर्मवीर आनंद दिघे साहब की शिक्षाओं के बारे में सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया और न कभी देंगे, ऐसा बोला है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी को करारा झटका लगने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना के कुछ अन्य विधायक गुजरात के सूरत शहर के एक होटल में डेरा डाले हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि पार्टी के नेतृत्व से नाराज कुछ विधायक सोमवार की रात सूरत पहुंचे और यहाँ ली मेरिडियन होटल में ठहरे हैं। होटल के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीटों के लिए सोमवार को हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी जिन पर उसने प्रत्याशी उतारे थे। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 2-2 सीटें मिली जबकि कांग्रेस को एक ही सीट से संतोष करना पड़ा। राज्यसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन महाविकास आघाड़ी को भाजपा की ओर से महाराष्ट्र में मिला यह दूसरा बड़ा झटका है। एमवीए में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस शामिल है। इससे पहले मुंबई में शिवसेना के एक नेता ने मंगलवार को कहा कि राज्य के मंत्री और शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि शिंदे कुछ विधायकों के साथ गुजरात में हो सकते हैं।